मॉर्निंग ट्रेडर्स सब्सक्राइबर्स वेलकम बैक टू चैनल अगेन। आज भी हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी में लाइव मार्केट में लाइव ट्रेडिंग करने वाले। हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। हमने 1 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग व्यू पे हम लोग है, हम लोग धन के प्लेटफॉर्म पे आएंगे। 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। एक मिनट ना, 5 मिनट्स का, ओके। ठीक है, अभी आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज करेंगे तो आपको सिंपली दिख रहा है यहाँ पे मार्केट में जो है, यहाँ पे जो सेलर्स है, यहाँ पे काफ़ी सेलर्स है। देखिए यहाँ पे काफ़ी सेलर्स बैठे हैं 52,700-800 के लेवल पे। तो इनकी जो स्टॉप लॉसेस है वो अपर साइड पर रहने वाले हैं, ठीक है, राइट है। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो बायर था, यहाँ पे जो बायर, उसका जो स्टॉप लॉस है मार्केट ने ऑलरेडी ले लिया है। कैसे ले लिया मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से अगर आप फिब रिट्रेसमेंट लगाओगे, ये देखिए यहाँ से, या आप यहाँ से काउंट करोगे तो उसका जो 50% का लेवल है वो चला गया ऑलरेडी, ठीक है। मतलब ये बायर से ऑलरेडी चला गया होगा। ये कब तक जाएगा, जब तक इसका कॉस्ट टू कॉस्ट ना आ जाए तब तक ये बायर्स वहाँ पर रह सकता है। तो ये जो लो है हम लोग यहाँ पर मार्क कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हमें कोई अच्छी ग्रीन कैंडल मिल जाती है तो हम लोग यहाँ पे कॉल साइड की ट्रेड बना सकते हैं। समझ में आपको, आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिन्होंने भी, अगर आपने यहाँ पे बाइंग की होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपने बाइंग की होगी तो आज जैसे ही मार्केट ओपन हुआ होगा आपको थोड़ा प्रॉफिट दिखता होगा, ठीक है। लेकिन बाद में जैसे जैसे आप देखिए ये रेड कैंडल्स आ रहे, रेड कैंडल्स आ रहे, तो आप भी डर जाओगे। आप बोलोगे यार प्रॉफिट हो रहा है थोड़ा मोटा, तो ट्राई करते बुक करने के लिए, क्यों वेट करना। लेकिन काफ़ी जो पुट राइटर्स होते हैं वो अपने इस लेवल तक रुकते हैं, जो लेवल है 50-200 की लेवल, ठीक है। तो उस लेवल तक रुकते हैं। अगर यहाँ पे देखिए ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है काफ़ी अच्छी बन रही है, तो यहाँ पे भी हम लोग एक कॉल साइड की ट्रेड बना सकते हैं। आप यहाँ पे 50-200 का कॉल को जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हो अपने वॉच लिस्ट में, ठीक है, 50-200 का। तो आप दोस्तों राइट हैंड साइड देख सकते हो, मैं अभी एक आपको एप्लीकेशन दिखाता हूँ। राइट हैंड साइड आप देखिए, ये देखिए राइट हैंड साइड, देखिए ये एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको 50-200 का जो कॉल है उसको ऐड करना है, जिसकी प्राइस लगभग चल रही है 326 के आसपास, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे इस कॉल में पोजीशन बना सकते हैं। आपको यहाँ पे 50 पॉइंट्स का क्या रखना है, स्टॉप लॉस रखना है 50 पॉइंट्स का। तो यहाँ पे हम लोग देखिए, 4 लॉट में अगर हम लोग करेंगे तो कितना यहाँ पे मार्जिन लगेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। 4 लॉट अगर आप यहाँ पे करोगे तो लगभग आपको 20,000 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे मार्जिन लगेगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे बाई कर लेते हो तो आपको 20,000 के मार्जिन में 4 लॉट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बाई कर लिया। देखिए बाई करते ही यहाँ पे कितना हमें बाई मिला है, देखिए बात करते करते बाइंग प्राइस हमारी 340 है। और देखिए कैंडल्स देखिए दोस्तों, कैंडल्स देखिए, क्या सही टाइम पर हमने एंट्री पकड़ी है, दिख रहा है आपको ही टाइम पे। देखिए कुछ हमने यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे ऐड किया, और ऐड करते हुए पोजीशन बनाई, और पोजीशन बनाते बनाते बाय कितने पे हुआ हमारा, ये बाय हुआ 340 पे। मतलब हम लोग आपको बता रहे थे 326-30 के आसपास की प्राइस, तब 340 से बाइंग हुई और डायरेक्टली हमें 50 पॉइंट की मूवमेंट मिल गई, 50 पॉइंट की स्टॉप लॉस। हमने आपको क्या बोला, आपका स्टॉप लॉस क्या आने वाला है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आने वाला है 30 पॉइंट का, ठीक है। 30 या 40 पॉइंट पकड़िए तो आपका स्टॉप लॉस आएगा 300 रुपया, ठीक है, ये आपका स्टॉप। तो यहाँ पे लगभग आप देख सकते हो हमें 50 से 60 पॉइंट की मूवमेंट जो है मिल चुकी है। तो हमें यहाँ पे डिसाइड क्या करना है, देखिए आपका कैपिटल कहाँ पे है। देखिए 20,000 का आपने मार्जिन इस्तेमाल किया है और आपको लगभग 3 से 3,500 का प्रॉफिट दिख रहा था, मतलब आपको लगभग 15 से 18% का रिटर्न मिल गया, तो आप बुक कर सकते हो, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस 30 से 40 पॉइंट का है, मतलब आपका 10% का यहाँ पे जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस है, और 20% का जो टारगेट है वो आज कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो क्लियरली। अगर आपको रुकना है, अगर आपको और चाहिए 50-60%, तो उतना रिस्क भी आपको लेना पड़ता है। तो चॉइस आपकी है, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे लॉसेस होंगे। देखिए अगर आपने सही टाइम पे बुक नहीं किया तो आपका जो प्रॉफिट चल रहा है वो बाद में स्लोली स्लोली जो है कम होते जाता है। मतलब अगर आपका 3,000 है तो 2,500 हो जाता है, 2,000 होता है। तो अगर आप सही टाइम पे नहीं ट्रेड करोगे, सही टाइम पे एग्जिट नहीं लोगे, तो वो जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है वो आप बुक नहीं कर पाओगे। जैसे आप यहाँ पे देखिए अभी करंटली कितना, 2600 से अभी 1900 पे आ गया, 1700 पे आ गया, 1400 पे आ गया, 1200। तो अभी डर के मारे आप बुक कर लेते हो,
पहले आपको बुक नहीं करना होता है, जब प्रॉफिट कम होता है तब बुक करना होता है, तो ऐसे मत कीजिए। फिर से आपको मार्केट चांस देगा, लेकिन तब भी आप बुक नहीं करोगे, तब भी आप यहाँ पे क्या करोगे, बड़ा चाहिए आपको, बड़ा प्रॉफिट चाहिए, 5,000-6,000, ऐसा मत कीजिए। आपका जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया है उसके हिसाब से 15-20% मैक्स है, वो निकाल के चले जाइए। ठीक है, देखिए लगभग 2,500-2,500 के अभी 2,200 तक आ गया, तो हमें यहाँ पे बुक करने में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। जो आपको लगता है कि सही है आप वो कीजिए, जो प्रॉफिट आपके लिए लगता है कि सही है आप उसे बुक कीजिए। हम जो बोलते हैं 50 पॉइंट रुकिए, 200 पॉइंट रुकिए, 500 पॉइंट रुकिए, मत कीजिए। जो आपको सही लगता है, आपने ट्रेड लिया, आपका स्टॉप लॉस जो है 30 पॉइंट का, अगर आपको 60 पॉइंट मिल रहे, 50 पॉइंट मिल रहे, 40 पॉइंट मिल रहे, दिख रहा है प्रॉफिट, बुक कर दीजिए। ठीक है, दिख रहा है प्रॉफिट, बुक कर दीजिए। इस तरीके से इस सेटअप को फॉलो कीजिए। इस सेटअप को हम लोग जो है स्टॉप लॉस हंटिंग बोलते हैं। देखिए करंटली भी मार्केट आपको चांस दे रहा है, 2,800 रुपये का आपको अभी प्रॉफिट दिख रहा है, लगभग 2,800, अभी 1,200 से अभी फिर से 2,800, देखिए फिर से 3,200, 3,400, ठीक है 3,500। देखिए मार्केट आपको बार बार चांस दे रहा है कि मुझे बुक करो, बुक करो, बुक करो, लेकिन नहीं, हमें बड़ा प्रॉफिट चाहिए, बड़ा प्रॉफिट चाहिए। उस चक्कर में हम लोग बड़ा लॉसेस भी कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट है, क्वेरी है, तो ये जो नंबर है उस पर आप जाकर कॉल कर सकते हो। हम लोग डेफिनेटली आपको जो है यहाँ पे कुछ क्वेरी देंगे तो उसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे विद अ न्यू ट्रेड, न्यू सेटअप, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।